कौन सी जगह ये? एनाकोंडा मूवी देखी है किसी ने? उसमें कुछ ऐसी लोकेशन है ना, मतलब पानी में से सांप आता है मेरे, और कसम से शूट करने इतना मजा आएगा ना यहाँ पे। पीछे भी सीन है यार, बट मैं भी ले नहीं सकता वीडियो, उतना टाइम नहीं है यार क्योंकि ट्रेन छूट जाएगी। What's up guys, here's your star again with the new interesting video. तो guys, हम हैं अभी भोपाल सीहोर मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से मैं रैंडमली मतलब गुजर रहा हूँ बस, तो मैं सिर्फ बैक व्यू ऐसे ही दिखा सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये जो वीडियो होने वाला है कुछ नहीं, बस जो दो दिन मैं इधर गुजारने वाला, दो दिन नहीं, आके तो मुझे 7-8 दिन हो गया है, लेकिन होती है ना कुछ मेमोरीज, तो मेमोरीज जो क्रिएट करने वाला हूँ मैं अब ये दो दिनों में करूँगा। तो गाइस चलो देखते हैं क्या क्या होती है मेमोरीज, क्या क्या बनती है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पे हूँ चद्दरपुल कस्बा, हाँ चद्दरपुल कस्बा सीहोर में हूँ, और लोकेशन आप पीछे का देख सकते हो यार। एनाकोंडा मूवी देखी है किसी ने? उसमें कुछ ऐसी लोकेशन है ना, मतलब पानी में से सांप आता है, मेरे पीछे तो कुछ आ रहा नहीं है वैसे, लेकिन लोकेशन काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे फोटोशूट के लिए भी काफ़ी अच्छा लोकेशन है, मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ। तो गाइज कुछ अलग दिखाने वाला हूँ मैं, बोले ये क्या एक्सप्लोर कर रहा है बंदा, बट मुझे अच्छा लगा तो मैं दिखा रहा हूँ आपको। देख लो यहाँ पे ईंट बन रही है, ठीक है, ईंट होती है ना, ईंट जिससे घर बनता है वो बन रहा है। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो, यहाँ पे सुखाने के लिए रखा हुआ है। जिधर अभी जस्ट मैं आया हूँ वहाँ का सीन देख के मैं कैसा था मालूम है क्या? ओ समझ रहे हो ना, तो वैसे ही लगा मुझे। ये जो आप पीछे पेड़ देख रहे हो, ये एक ही पेड़ है, ठीक है, उसी की टहनियां है ये, और यार दम अलग ही लगा यार, मस्त, और कसम से शूट करने इतना मजा आएगा ना यहाँ पे। पेड़ के ऊपर बैठा हूँ और आपने देखा होगा मैं कैसे चल के आया ऊपर। तो गाइस अभी भाई मुझे कहीं लेके जा रहे, किधर लेके जा रहे भाई? आगे एक पुल है बहुत सेक्सी, क्या है वो सेक्सी लोकेशन, एक पुल है आगे। तो भाई बोल रहे हो सेक्सी लोकेशन है, देखते हैं क्या सेक्सी है वहाँ पे। ये है पीछे लोकेशन, देख लो ये पुल है यहाँ का, बॉम्ब लोकेशन है, अगर DSLR होगा ना किसी के पास और इधर फोटो शूट करेगा ना तो समझ जाना इंस्टाग्राम पे कुछ अलग ही रीच हो जाएगा। तो गाइज अभी हम यहाँ पे कौन सा पार्क है, ये अटल पार्क में आ चुके हैं, और अच्छा यहाँ का लोकेशन, यहाँ पे हम थोड़े टिकटॉक वीडियो शूट करने आए एक्चुअली। बहुत सारे लोग मुझे मिले और प्यार तो बेशुमार है यार सीहोर में, तो मैं आप सबको मिलाता हूँ वो लोगों से। गाइस तो कुछ बोलना चाहेंगे सीहोर के और अपने बारे में? विद स्टार फॉरएवर पबजी एंड कैफे, हाँ सही सुना आपने, पबजी एंड कैफे, पूरा पबजी का जो भी लुक है यहाँ पे दिया हुआ है, पीछे आप देख सकते हो मेरे पबजी एंड कैफे, और मैं अभी देख सकते हो पीछे ड्रॉप भी रखा हुआ है, एक मिनट दिखा देता हूँ, दिखा गया, तो चलते अंदर। अपकमिंग स्टार उर्फ तालू,
नहीं उर्फ पहले तो नाम बताया नहीं मैंने, नाम क्या? हर्षन के पहले मैं मुझे कुछ चीज दिख गई है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। काफी अच्छी जगह है यार, यहाँ पे मुंबई होता तो फिर मचा ही दिए होते, बट मुंबई तो है नहीं, जाना तो पड़ेगा, घर जा रहे। ठीक है तो दिखाता हूँ मैं भी आपको। का सीन काफी अच्छा लगा मुझे, बट अभी टाइम नहीं है, भागना पड़ेगा ना, तो मैं जरूर यहाँ पे फोटोज खींचता था, बट टाइम है नहीं, तो चलो चलते। पहुंच चुका हूँ हबीबगंज स्टेशन, जहाँ से जाना है घर, और सी ऑफ करने के लिए, मतलब छोड़ने के लिए इतने सारे बंदे आए साथ में, तो मिलते हैं फिर मुंबई में। और मेमोरीज तो रहेगी यार यहाँ की, क्योंकि जो दो दिन में भोपाल की लाइफ मैंने जिया हूँ, काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइस बाय बाय बोलने का टाइम आ गया है, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे गाइज़।